आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों के इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस, पहला क्वेश्चन हमारा है, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, नाइट्रोजन के लिए। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता किसमें होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता जो है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरा क्वेश्चन देखेगा, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? एक्सओ, एक्स एक्स एक्स, एक्स एक्स या एक्स वाई। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, एक्स बाई उत्तरदायी होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? आघूर्णों का नियम, जड़त्व का नियम, ऊर्जा का नियम, संवेग का नियम। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, न्यूटन के पहले नियम को हम कहते हैं जड़त्व का नियम। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चौथा, यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव के दाब की गणना करना चाहें तो उसे निर्धारित करने के लिए कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं है? द्रव स्तंभ की ऊंचाई, पात्र के तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल, द्रव का घनत्व, पात्र के तल पर गुरुत्व के कारण त्वरण। तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, पात्र के तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ऑप्शन नंबर वी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है मेरे प्यारे बच्चों कि उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं संवैधानिक अधिकार, शाब्दिक अधिकार, मौलिक अधिकार या ये सभी। उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने के शक्ति के अंतर्गत आते हैं। आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये सभी। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, स्वतंत्रता के पश्चात मंत्री परिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? 1954 में, 1961 में, 1963 में या 1975 में। स्वतंत्रता के बाद मंत्री परिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो आप कह सकते हैं वर्ष 1963 में लाया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया? पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट या शेन। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया? पाल। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? अमीर अली, बदरुद्दीन तैयब जी, सैयद अली खान, सर सैयद अहमद खान। इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? सर सैयद अहमद खान। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के रचनाकार कौन है? महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के रचनाकार कौन है? तो आप कह सकते हैं माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के रचनाकार हैं महात्मा गांधी। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा है, जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फलज की हत्या की? जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फलज की हत्या कर दी थी? वीर सिंह बुंदेला ने, यूसुफ जायू ने, उज्वेगो ने, अफगानियों ने।
वीर सिंह मुंदेला ने अबुल फलज की हत्या कर दी थी जहांगीर के निर्देश पर। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाँ, यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखना है, जहांगीर के निर्देश पर गुरु अर्जुन देव की भी हत्या जहांगीर के द्वारा ही करवाई गई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि दहशाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? वीरबल, अबुल फलज, टोंडरमल, इनमें से कोई नहीं। दहशाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे बच्चों, दहशाला बंदोबस्त जो है ना, ये टोंडरमल से संबंधित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बारहवां क्वेश्चन देखेगा। सुगह अगला हमारा प्रश्न है कि शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है, इसका कारण क्या है? ए में क्या है? शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता है अर्थात जल गर्म प्रतीत होता है। बी में क्या है? पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। सी में क्या है? पंपिंग क्रिया से घर्षण पैदा होता है जिसमें जल गर्म हो जाता है। डी में क्या है? भीतर से जल बाहर निकलता है और परिवेश से ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म क्यों होता है, क्या कारण है इसका? तो मेरे प्यारे बच्चों, पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। 13वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहराई दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश का त्रिज्यूरेखीय संचरण, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपरावर्तन। पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहराई दिखाई देने का कारण क्या है? अपरावर्तन। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? मेनफ्रेम, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं। अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर। आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेगा। निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? जस्टिस एम हिदायतुल्ला, जस्टिस मेहरचंद महाजन, जस्टिस पी एन भगवती, जस्टिस वी के मुखर्जी। भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? जस्टिस एम हिदायतुल्ला। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा प्रश्न है कि नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत है कोल टार, डीजर, चारकोल या कैम्फर। नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? तो नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत होता है मेरे प्यारे बच्चों कोल टार। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए? 20, 10, 8 या 25। सर्वोच्च क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए? तो मेरे प्यारे बच्चों, 10 वर्ष। आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर वी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है? 65 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष या 58 वर्ष। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है? 65 वर्ष तक। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैन तीर्थ कर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा? अहिंसा, अस्ते, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। जैन तीर्थ कर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य जोड़ा। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सुगाई 20वां क्वेश्चन हमारा है, महात्मा बुद्ध द्वारा ग्रह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महात्मा बुद्ध द्वारा ग्रह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो ये घटना कहलाती है
महाविनिक्रमण। आंसर क्या हो जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से एक क्वेश्चन और बन जाता है अगर आपसे पूछ लिया जाए कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न हमारा कि पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश है जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, डेनमार्क या स्पेन। पवन ऊर्जा उत्पादन के मामले में क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश कौन सा है? वैसे तो चीन होना चाहिए और इसमें चीन ऑप्शंस में तो है नहीं, तो ऑप्शंस में संयुक्त राज्य अमेरिका दिया है, तो ऑप्शंस के हिसाब से तो हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर वी। वैसे चीन अगर ऑप्शंस में अगर दिया हो तो आप उस पर टिक कर सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता है नारियल, चावल, कहवा या रबड़। बागानी कृषि के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, बागानी कृषि के अंतर्गत जो है चावल नहीं आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत क्या नहीं आता है? चावल की कृषि, गेहूं की कृषि, गन्ना की कृषि, मक्का की कृषि। खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत नहीं आता है, तो खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत गन्ना की कृषि नहीं आता, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 24वां क्वेश्चन, इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है? महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु। इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये उड़ीसा की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाई ओर से बाई ओर लिखी जाती थी? ब्राह्मी, देवनागरी, शारदा या खरोष्ठी। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 26वां क्वेश्चन देखेगा। 26वां क्वेश्चन हमारा, विश्व व्यापार संगठन WTO किस वर्ष में कार्यान्वित हुआ? 1995, 1997, 1990, 1993। विश्व व्यापार संगठन WTO किस वर्ष में कार्यान्वित हुआ? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वर्ष 1995 में कार्यान्वित हुआ था, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है, और 1 जनवरी को ये शुरू किया गया था विकसित देशों के द्वारा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली। भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय ये कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय जो है ना, ये स्थित है मेरे प्यारे बच्चों नई दिल्ली में, लाल किले के नई दिल्ली में, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, किस बौद्ध ग्रंथ में यूनानी नरेश, मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन है? दीपवंश, महावंश, मिलिंदपुनः, महावस्तु। किस बौद्ध ग्रंथ में यूनानी नरेश, मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन है? मिलिंदपुनः। आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, जाति प्रथा एवं छुआछूत को समाप्त करने के उद्देश्य से लंगर परंपरा की नींव किसने डाली? गुरु नानक देव, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास। जाति प्रथा एवं छुआछूत को समाप्त करने के उद्देश्य से लंगर परंपरा की नींव किसने डाली? गुरु अमरदास इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा है कि पारसी धर्म के संस्थापक हैं, तो पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? तो पारसी धर्म के संस्थापक थे ज़ोरोस्टर। आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, एलोरा में गुफाएं और शैलकत मंदिर हैं, बौद्ध और हिंदू, बौद्ध और जैन,
हिंदू और जैन, हिंदू बौद्ध और जैन। एलोरा में गुफाएं और शैलकत मंदिर हैं, हिंदू बौद्ध और जैन। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाथी उत्सव मनाया जाता है जैसलमेर में, ग्वालियर में, जयपुर में, उदयपुर में। हाथी उत्सव ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो हाथी उत्सव जो है ना ये जयपुर में मनाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन, लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं सेना के सुधार से, सती प्रथा की समाप्ति से, अंग्रेजी शिक्षा से, स्थायी बंदोबस्त से। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित थे? तो मेरे प्यारे बच्चों लॉर्ड मैकाले जो है ना ये संबंधित थे अंग्रेजी शिक्षा से। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देवभाषा आदि नामों से जाना जाता है? तमिल, हिंदी, संस्कृत या उर्दू। किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देवभाषा आदि नामों से जाना जाता है? संस्कृत इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 35वां क्वेश्चन हमारा है कि मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? आयन मंडल, ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों क्षोभ मंडल में होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ये कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद। उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ये कहाँ पर स्थित है? तो मेरे प्यारे बच्चों उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस जो है ना ये हैदराबाद में स्थित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, भारत का सबसे पुराना स्मारक है कुतुब मीनार, ताजमहल, खुजराव, अजंता की गुफाएं। भारत का सबसे पुराना स्मारक कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना जो स्मारक है वो है अजंता की गुफाएं। तो आप कह सकते हैं आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, उपनिषदों में मुख्यतः विवेचित है धर्म, दर्शन शास्त्र, योग, कानून। उपनिषदों में मुख्यतः विवेचित क्या है? दर्शन शास्त्र। आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 39वां क्वेश्चन क्या है, भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अमीर खुसरो, मलुकदास, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर। भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, बंकिम चंद चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर। विश्व भारती विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 40वां क्या है कि किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? पाटलिपुत्र, कन्नौज, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। किस वर्ष स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष जो है वो हुआ था? तो मेरे प्यारे बच्चों ये संघर्ष कन्नौज में हुआ। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तब उनका काम कौन करेगा? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तो उनका काम कौन करता है? तो मेरे प्यारे बच्चों उनका जो काम जो है ना ये करता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है इंग्लैंड से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, जर्मनी से, आयरलैंड से। भारत
भारत की संसदीय प्रणाली जो है ये किससे प्रभावित है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रभावित है इंग्लैंड से। तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न हमारा, समताप मंडल में ओजोन परत का क्या कार्य है? भूमंडलीय ताप को स्थिर रखना, भूकंपों की आवृत्ति को घटाना, मानसूनों की विफलता को बचाना, भूतल पर पराबैंगनी विकिरण रात को रोकना। भूतल पर पराबैंगनी विकिरण रात को रोकना, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, इकबाल, रहमत अली, भगत सिंह। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? इकबाल। आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला हमारा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? 1912 में, 1915 में, 1918 में या 1921 में? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो अस्तित्व है ना, वर्ष 1921 में आया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट हो जाएगा। वैसे तो आंसर होना चाहिए वर्ष 1925, क्योंकि ऑप्शंस में जो है वो है नहीं। आंसर करेक्ट आपका 1925 होना चाहिए मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग। अच्छा, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना है ये किसने की थी? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो इसकी जो स्थापना जो है ना, M.N. Roy के द्वारा कानपुर में की गई थी। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला प्रश्न हमारा है कि जनरल डायर की हत्या जो है किसने की थी? भगत सिंह, नाथुराम गोडसे, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद। देखिए, जनरल डायर की जो हत्या जो है ना, ऊधम सिंह के द्वारा की गई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट हो जाएगा। अब यहां पर आपको एक बात और ध्यान रखना है कि 13 मार्च 1940 को लंदन में ऊधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या की थी। ठीक है, सॉरी, 13 अप्रैल 1999 नहीं होना चाहिए, 13 मार्च 1940 को लंदन में जो हत्या की गई थी ऊधम सिंह के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना, इन्होंने ऊधम सिंह ने अपना मकसद बना लिया था कि जनरल डायर की हमको हत्या करनी है, और इसके लिए उन्होंने क्या से क्या किया। आप लोगों ने इनकी जीवनी पढ़ी होगी, एक बार अगर आप लोगों ने इनकी जीवनी नहीं पढ़ी है तो आप इनकी जीवनी पढ़िए और उनसे कुछ सीख लीजिए कि उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था कि जनरल डायर की हमें हत्या करनी है। तो जनरल डायर की जो हत्या है वो ऊधम सिंह के द्वारा की गई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो मेरे प्यारे बच्चों, गोपाल कृष्ण गोखले इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, शाइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? 1930 में, 1928 में, 1925 में, 1919 में? शाइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? तो शाइमन कमीशन का भारत जो आगमन है ना, 3 फरवरी वर्ष 1928 में हुआ था। 3 फरवरी 1928 को हुआ। पूरी डेट याद कर लीजिए क्योंकि पूरी डेट भी पूछी जा सकती है। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? उर्दू, नेपाली, कोंकणी, भोजपुरी। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? भोजपुरी जो है ना, ये भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहां से देखिए, आपके हिंदी के क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। उत्साह किस रस का स्थाई भाव है? शांत रस, रौद्र रस, करुण रस, वीर रस। उत्साह किस रस का स्थाई भाव है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एक बार देख लीजिएगा आप लोग। उत्साह जो है ना, ये वीर रस का स्थाई भाव है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अब यहां पर आपको कुछ चीजें हैं, कुछ बातें हैं, उन्हें आपको ध्यान में रखना है। रस से आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी के एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं।
जैसे कि शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि शांत का स्थायी भाव क्या होता है, तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। रौद्र से अगर प्रश्न पूछ लिया कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो करुण रस का स्थायी भाव होता है मेरे प्यारे बच्चों करुण का अर्थ क्या होता है, करुण जैसे कि कोई ऐसी बात हो गई वो बात दुख प्रकट करने वाली है तो उसको हम करुण रस कहते हैं। तो आप करुण रस को शोक में व्यक्त कर सकते हैं, यानी करुण रस का स्थायी भाव जो होता है वो शोक होता है। तो ये जो फैक्ट है आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोसी सिंधु करे मन रोसा, कादर मन कहूँ एक आधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। उपरोक्त पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है, दोहा चौपाई छपै या कवित। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें चौपाई शब्द का प्रयोग हुआ है, चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी भाषा की बोली नहीं है, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी या बुंदेली। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवधी जो है ना ये पश्चिमी हिंदी भाषा की बोली नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अवधी जो है ना ये पूर्वी हिंदी की है, पूर्वी हिंदी भाषा की बोली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा बच्चों, अगला प्रश्न है, लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, कमला, सिंधुसुता, रमा, ये सभी। और इसके बाद दिवाली आ रही है, तो ऐसी मैं आप लोगों के लिए कामना करता हूँ कि अच्छे से तैयारी कीजिए और इलाहाबाद हाई कोर्ट में आप अपनी एक सीट पक्की कर लीजिए। यानी कहने का मतलब ये है कि 2024 में आपकी सरकारी नौकरी लग जाए। इस बार रेलवे में भी काफ़ी वैकेंसी आई है, लेकिन टारगेट आपका होना चाहिए इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक है, अच्छे से तैयारी कीजिए और एक अपनी सीट पक्की कर लीजिए। क्लासें आप लोगों की रेगुलर चल रही हैं, अभी तक मैं आपको एक क्लास प्रोवाइड कराता था, अब मैं आपको दो क्लास बराबर प्रोवाइड करा रहा हूँ डेली। लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द होता है कमला। क्या होता है, कमला होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, विवाह का कौन सा पर्यायवाची है, परिणय, रोहित, बल्ली, आयस। विवाह का कौन सा पर्यायवाची शब्द है, तो विवाह का परिणय जो है ना, परिणय ये विवाह का पर्यायवाची शब्द होता है। आंसर क्या हो जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। त्योहार का तत्सम शब्द क्या होता है, अब जैसे कि मैंने आपको एक बार नहीं हजारों बार बताया है, अगर मैं आपको किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर मैं आपको करवाता हूँ, किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करवाता हूँ, तो उसमें हिंदी ज़रूर पूछी जाती है। और लगभग यूपी पुलिस कांस्टेबल ले लीजिए, मैंने आपको हिंदी पढ़ाई है, तो मैंने आपको हजारों बार बताया कि ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो जब त्यौहार जो आपका ये हिंदी भाषा का शब्द हो गया, तो त्यौहार को जब आप संस्कृत में कन्वर्ट करेंगे तो वो आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। तो त्यौहार को जब आप संस्कृत भाषा में कन्वर्ट करेंगे तो उसका संस्कृत में कन्वर्ट क्या होगा, त्यौहार हो जाएगा तिथिवार, इनमें से कोई नहीं, तिथिवार। तो आंसर क्या हो जाएगा, त्यौहार का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, तिथिवार। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पंडित का विलोम शब्द क्या होता है भाई, अपोजिट कर दीजिए आंसर आ जाएगा विद्वान, अपंडित, पंडित या मूर्ख। तो पंडित का विलोम शब्द क्या होता है, तो पंडित का विलोम शब्द होता है मेरे प्यारे बच्चों मूर्ख होता है। क्या होता है, मूर्ख। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चुलबुलापन में कौन सा प्रत्यय, तो मैंने आपको कई बार बताया कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो आपका उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो आपका प्रत्यय होता है। तो चुलबुलापन, पन, पन यानी कि लास्ट वाला शब्द, तो पन जो है इसमें आपका प्रत्यय हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। दुशासन की संधि विच्छेद क्या होगी, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से आप टिक कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से बता सकते हैं आप लोग। दुधन शासन, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे यह पूछा जाए कि दुशासन में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो विसर्ग संधि हो जाएगी। आपको ये विसर्ग के निशान दिख रहे होंगे दामे, तो विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दाल रोटी में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या कर्मधार समास।
तो बीच में आपको एक योजक चिन्ह दिख रहा होगा दाल रोटी के बीच में, योजक, इसको हम बोलते हैं योजक चिन्ह। तो जहाँ पर योजक चिन्ह होता है तो वहाँ पर होता है आपका द्वंद्व समास। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाले को क्या कहा जाता है? आदि प्रवर्तक, श्रेष्ठ प्रवर्तक, मत प्रसारक, मत प्रचारक। किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाले को क्या कहा जाता है? आदि प्रवर्तक कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, मधुशाला के रचयिता कौन है? मधुशाला के रचयिता कौन है? तो मेरे प्यारे बच्चों, मधुशाला के रचयिता हैं हरिवंश राय बच्चन। कौन है? हरिवंश राय बच्चन। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में अयोग भाव की संख्या होती है 4, 3, 2 या 6? हिंदी वर्णमाला में अयोग भाव की संख्या कितनी होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी वर्णमाला में अयोग भाव की संख्या होती है कुल 2। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। देखिए, हिंदी वर्णमाला में अयोग भाव की संख्या 2 होती है, तो मैंने आपको बता दिया। कौन कौन सी होती है? एक होता है अनुस्वार, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है विसर्ग। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है कि राष्ट्रभाषा कहलाती है साहित्य सदन की भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा, संविधान द्वारा स्वीकृत भाषा, बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा। राष्ट्रभाषा कहलाती है, तो मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रभाषा कहलाती है बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्या है गाइस, कि बीजक के रचयिता कौन है? कबीर, सूर, तुलसीदास, जायसी। बीजक के रचयिता कौन है? बीजक के रचयिता हैं कबीरदास। कबीरदास की बोली कौन सी है? कबीरदास की बोली है सदुक्कड़ी बोली। कबीरदास के गुरु का क्या नाम था? तो कबीरदास के गुरु का नाम था रामानंद। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखने, क्योंकि यहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं कबीरदास के बारे में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विनय पत्रिका किसकी कृति है? कबीर, तुलसी, जायसी, मंझन। विनय पत्रिका किसकी कृति है? तो विनय पत्रिका जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये तुलसीदास की कृति है। किसकी कृति है? तुलसीदास की। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। यहां पर आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि सूर सागर जो है ना, सूर सागर नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, अक्सर पेपर में पूछ भी लिया जाता है कि जो सूर सागर जो रचना है ये किसके द्वारा रची गई है? सूरदास के द्वारा रची गई है। ठीक है, तो मैंने आपको करा ही दिया विनय पत्रिका किसकी कृति है, तो विनय पत्रिका जो है ना ये तुलसीदास की कृति है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या, दोहा में कितने चरण होते हैं? 2, 4, 6 या 8? दोहा में कुल कितने चरण होते हैं? तो दोहा में कुल 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला प्रश्न, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 12, 14, 16 या 18? चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा, ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है? प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ध्रुव स्वामिनी के रचयिता हैं प्रसाद। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, कादंबरी के लेखक कौन है? हर्ष, बाणभट्ट, रसखान या बिहारी। कादंबरी के लेखक कौन है? तो मेरे प्यारे बच्चों, कादंबरी के लेखक हैं बाणभट्ट। तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, गबन किस लेखक की कृति है? भगवती चरण वर्मा, राजकुमार वर्मा, मुंशी प्रेमचंद, यशपाल। गबन किस लेखक की कृति है? तो मेरे प्यारे बच्चों, गबन जो है ना ये मुंशी प्रेमचंद की कृति है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निर्देश प्रश्न संख्या 72 से 74, निम्नलिखित पंक्तियों में रस की पहचान कीजिए। प्रश्न क्या है? बौरव सभय रघुवंश कुठार की धार में वारनवाजी सरत्यही, वान की वायु उड़ाई के लक्षण कलछय कर अरह
समर्थ ही, इसमें कौन सा रस होगा, भयानक रस, करुण रस, रौद्र रस या भक्ति रस? तो कौन सा रस हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों रौद्र रस। तो आंसर क्या हो जाएगा, आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखिए सीता मृग नैनी, करुण रस, रौद्र रस, संयुक्त श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, तो इसमें कौन सा रस होगा? तो प्रभु श्री राम खग से पूछ रहे हैं, मृग से पूछ रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? मृग से पूछ रहे हैं, खग से पूछ रहे हैं, तो वो अपना दुख प्रकट कर रहे हैं। तो जहां पर दुख प्रकट करने की बात आती तो वहां पर होता वियोग श्रृंगार रस। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारा, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, इसमें कौन सा रस होगा? वात्सल रस, शांत रस, करुण रस, अद्भुत रस। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा? इसमें हो जाएगा वात्सल रस। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्न रूपों में से सही वर्तनी चुनी है, साहित्यकार की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? साहित्यकार कैसे लिखा जाता है? साहित्यकार ऐसे लिखा जाता है, इसको लिखने का जो तरीका है ना वो ये रहा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा प्रश्न है, ईश्वर का पर्यायवाची निम्न में से क्या नहीं है? जीवेश, जगदीश, परमात्मा, जीवनोदक। ईश्वर का पर्यायवाची निम्न में से क्या नहीं है? जीवनोदक जो है ना, ईश्वर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जीवेश हुआ, जगदीश हुआ, परमात्मा, ये ईश्वर के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, लेकिन जीवनों तक जो है ईश्वर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कमल का पर्यायवाची निम्न में से क्या नहीं है? सतदल, सरूरूह, उत्पल या जलद। कमल का पर्यायवाची निम्न में से क्या नहीं है? जलद जो है ना, ये कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, शक्ति का उपासक के लिए एक शब्द क्या होगा? शक्ति, शक्ति, शक्तिशाली, शक्तिवान। शक्ति का उपासक के लिए एक शब्द क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, शक्ति का उपासक के लिए एक शब्द होता है शाक्त। क्या होता है? शाक्त होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राजेश किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? गुण स्वर संधि, आयादि स्वर संधि, विसर्ग संधि या व्यंजन संधि। राजा धन ईस, राजा धन ईस, ये इसकी संधि हो जाएगी। अब पूछ क्या रहा है कि राजेश में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? तो राजेश में प्रयुक्त संधि हो जाएगी गुण स्वर संधि। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, दिनामुदिन किस समास का उदाहरण है? अव्ययीभाव, कर्मधार, तत्पुरुष या द्वंद। तो जब आप इसका समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह क्या होगा? दिन प्रतिक्रिया, दिन प्रतिक्रिया। तो मैंने आपको क्या बताया था, यथा अनुप्रति बड़ा आभर उद्घर में, ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी, कई बार मैंने आपको ये ट्रिक बताई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यथा हुआ जैसे कि, अनु हुआ प्रतिदिन हुआ प्रति दिन, यथा अनु प्रति बड़ा आ भर उद हर, ये शब्द आ जाए तो वहां पर होता है अव्ययीभाव समास। तो दिनानुदिन, दिन प्रतिदिन, प्रति आ रहा है इसमें, तो प्रति ये रहा, प्रति रहा ये प्रतिदिन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नारीर कानो देश नाही किस प्रसिद्ध महिला लेखिका की रचना है? तस्लीमा नसरीन, माँ श्वेता देवी, कृष्णा शोभती, मंत्री पुष्पा। नारीर कोनो देश नाही किस प्रसिद्ध महिला लेखिका की रचना है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो रचना है तस्लीमा नसरीन की रचना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भोपाल पालव भूपति वद नेस नंद सुजान है, इस पद में किस छंद का प्रयोग हुआ है? हरिगीतिका, छपय, कवित, सवैया। भोपाल पालव भूपति वद नेस नंद सुजान, इस पद में
किस छंद का प्रयोग हुआ है? हरि गीतिका। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। शांतिदूत में कौन सा समास है? बहुप्रिय, अव्ययीभाव, तत्पुरुष या द्वंद्व? शांतिदूत में कौन सा समास हो जाएगा? अब देखिए, शांति अलग है, दूत अलग है, दोनों को जोड़ दिया गया तो नया शब्द क्या बना? शांतिदूत बन गया। ऐसे भी पता चला कि शांति का दूत, कर्ता ने कर्म को का, जब भी ऐसा है तो तत्पुरुष समास पर आंख बंद करके टिक कर दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था यथा अनु प्रति बड़ा भर उदहर, आजन्म में कौन सा समास होगा? कर्मदार, तत्पुरुष, दिगु या अव्ययीभाव? अव्ययीभाव हो जाएगा। सोचने की बात क्या है, ट्रिक मैंने आपको बताई, वही ट्रिक का प्रयोग कीजिए और आंसर सर्दे लगाइए, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन योगऋण शब्द है? पंकज, दयानिधि, पानी, विशालकाय? कौन सा योगऋण शब्द है? पंकज जो है ना, ये योगऋण शब्द हो जाएगा, यानी ऐसा शब्द जो टूटे ना, आंसर वो योगऋण शब्द कहलाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, जो आंखों से ना देखा जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? अंतर्दीय, अगोचर, असहज, दृष्टिहीन? जो आंखों से ना देखा जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो आंखों से ना देखा जा सके उसे कहते हैं अतिंद्रिय। अगर मान लीजिए ऑप्शंस में अदृश्य दिया जाए तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। जो आंखों से ना देखा जा सके उसे हम अदृश्य भी कहते हैं और अतिंद्रिय भी कहते हैं। बस आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ढिंडोरा पीटना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? खेल कराना, प्रचार करना, बाकुपट होना, डिंग हाँकना? ढिंडोरा पीटना प्रचार करना। अगर ऑप्शंस में ऐलान करना भी दिया हो तो आप इस पर भी टिक करना है कर सकते हैं, क्योंकि ढिंडोरा पीटना ऐलान करना की का भी मुहावरा। वैसे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। तूती बोलना, अच्छा तूती बोलना का अर्थ क्या होता है? रौब होना, प्यार होना, झगड़ा होना, संगीत बजना? तो भैया तूती बोलना का अर्थ क्या होता है? आतंक होना या दबदबा होना, ये भी कह सकते हैं आप लोग, और रौब होना ये भी कह सकते हैं आप लोग। यानी कहने का मतलब है कि एक अर्थ के दो शब्द हो सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कलम का सिपाही के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, अमृत राय, अमरलाल नागर, कमलेश्वर? कलम का सिपाही के लेखक कौन है? तो मेरे प्यारे बच्चों, कलम का सिपाही के लेखक हैं अमृत राय। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो देखिए, यहां पर आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है, सोच समझ कर आंसर दीजिएगा। कल पाठ पढ़कर आइए, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द छांटिए। विलक्षण कैसे लिखा जाता है? तो विलक्षण की शुद्ध वर्तनी क्या होती है? इसको जो करने का जो तरीका है ना, वो ये रहा। विलक्षण ऐसे लिखा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, मैं जो नया ग्रंथ बिलोकता हूं, भाता मुझे नव मित्र सा, देखूं मैं उसे मैं नित प्रेम से ही, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? चौपाई, दुहा, इंद्रवर्जा या बैरवे? इसमें हो जाएगा इंद्रवर्जा। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, सोवे चित्त चकोर तू सफल करे किन नैन, चार दिना का चांदनी फिर अंधारी रैन, फिर अंधारी रह सके लकी सोच करेगो, सहज रहे नहीं भूली काल कृत्य जाल परेगो, बरने दीन दयाल लाल यह काल ना खावे, रोम रोम प्रति सोम कला ना लखन कित सोवे। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस होगा? सवैया, दोहा, कुंडलियां, चौपाई? इसमें हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कुंडलियां। तो आंसर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त, बृंदालाल वर्मा, राजकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद? भारत भारती किसकी रचना है? तो भारत भारती जो है ना, ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रकांता किस लेखक की कृति है? बालकृष्ण भट्ट, प्रतापनारायण मिश्र, देवकीनंदन खत्री, श्रद्धा राम फिलौरी?
देवकी नंदन खत्री की एक कृति है, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निर्देश प्रश्न संख्या 96 से 68, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे चार विकल्प दिए गए हैं, उनमें कोई एक विकल्प दिए गए, वाक्य का सूत्र उसका चयन करना है। लड़कियां को जाने दो, ये तो होगा ना कि लड़कियां को जाने दो, तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? लड़कियों को जाने दो, ये इसका बिल्कुल शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आवारी हम सदा रहेंगे, ये तो आप कहेंगे ना कि आवारी हम सदा रहेंगे, आप ये कहेंगे ना आवारी हम सदा आवारी रहेंगे, तो ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नदियां बह रही हैं, ये तो कहेंगे कि नदियां बह रही हैं, नदियां बह रही हैं ना कि नदियों बह रही हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? बोलने पर ही आपका शुद्ध वाक्य निकल आता है, जब आप इसका उच्चारण करेंगे, यानी जब इसका आप इसको पूरा पढ़ेंगे, पढ़ने से ही पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा शुद्ध शब्द होगा। सिंपल से क्वेश्चन था। अगला प्रश्न देखिएगा, कोशी का घटबार किसकी प्रसिद्ध रचना कहानी है? परिसुरा रेणु, मुंशी प्रेम से यशपाल, शेखर जोशी की रचना है कोशी का घटबार, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावो, इस पंक्ति में किस रस की सृष्टि हुई है? श्रृंगार, वीर, शांत या भयानक? शांत। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावो, यानी मन को सुख पावो, तो अगर जैसे कि आप मंदिर चले जाएं, मस्जिद चले जाएं, चर्च चले जाएं, तो वहाँ पर आपको मन को सुख आपको मिला है, तो मन को जहाँ पर सुख मिलता है तो वहाँ पर कौन सा रस होता है? शांत रस होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट हो जाएगा।